भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने अंतर्राज्यीय दो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 99,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही चोरों ने पूछताछ में दो चोरी की वारदात को अंजाम देने का जुर्म कबूला है। भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए राधेश्याम कुशवाहा निवासी दुर्गानगर के साथ 1,20,000 की चोरी और दूसरे ही दिन बीमा एजेंट हरिराम गर्ग की परेड चौराहे से 25,000 रुपए की चोरी सरेराह कर ली गई थी। ये घटना 21 और 22 फरवरी को घटित हुई थी, जिसकी सूचना शहर के देहात थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर CSP आनंद रॉय के द्वारा जगह जगह चेकिंग प्वाइंट लगाए गए। बैंकों के बाहर बाजारों में सर्चिंग की गई, लेकिन शातिर चोर पकड़ में नहीं आए। इसी बीच शहर के हाउसिंग कॉलोनी पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्थिति में दो लड़कों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर चोरी का जुर्म करना कबूल किया गया। जांच में आरोपी के पास से पुलिस ने 99,000 रुपए जब्त किए हैं, तो वहीं अन्य घटना के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। सर बताए, क्या मामला है जिसमें आज अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है? ये फरवरी के महीने में दो घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारे शहर के दोनों थाना क्षेत्र थे, कोतवाली और देहात। वहाँ पे फरियादी जो थे वो बैंक से पैसा निकाल के ला रहे थे, और उनके जो बैग में पैसा रखा हुआ था वो किसी काम से कहीं पर रुके, तो उनका बैग अज्ञात लोगों द्वारा जो है चोरी कर लिया गया। ऐसे उनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट की गई। इसके संबंध में पुलिस ने जांच पड़ताल की, पता लगाया, और उसी तारतम्य में पुलिस के द्वारा जो मुझे जो जिस तरह का फरियादी के द्वारा बताया गया, जांच पड़ताल की, पता लगाया, और उसी तारतम्य में पुलिस के द्वारा जो मुझे जो जिस तरह का फरियादी के द्वारा बताया गया था, उसको लेकर मुखबिरों को भी सूचना तंत्र के माध्यम से पता लगाया, कुछ जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई, और एक बार चेकिंग में भी पुलिस ऐसे लोगों की जब जांच कर रही थी तो उसी में दो संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा, और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इन घटनाओं को करना कबूल किया गया। ये दोनों जो और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर वारदात करने की जानकारी पुलिस को मिली। इसके साथ साथ इनके कुछ अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस को पता चला है, और पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है, और इनके विषय में जो इनकी हमारे यहाँ घटनाक्रम हुआ था उसमें जो मशकूका गया था उसमें करीब 99,000 इन दोनों से बरामदगी हुई, और उसके बाद जो इनकी अभी हम लोग और जांच कर रहे हैं, और किसी अन्य घटनाक्रम में यदि इनकी जानकारी मिलती है तो उसमें भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या सर मानते हैं शहर के अंदर दो ही व्यक्ति अभी हाथ में आए, इनके साथ और भी बड़ा रैकेट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इनके साथियों को भी जानकारी मिली है, उनका हम लोग पता लगा के उनको भी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो पकड़े जाएंगे तो उनके माध्यम से फिर और पता चलेगा कि उनका किसी अन्य आसपास क्षेत्रों में कोई हुई। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।